बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वीडियो को आप जो हैं पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। देखिए, आपने क्लिक कर वीडियो को चलाई है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। आपको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। देखिए, आज से हमारा लेटर बी स्टार्ट हुआ है। आज से बी के डिक्शनरी हम बताएंगे, ठीक है। बी का डिक्शनरी आज से चलेगा और जो भी वर्ड आएंगे वो बी से स्टार्ट होंगे। बी डबल ए बा, और ये वर्ड क्या है? नाउन। सीप्स क्राई, यानी जो भेड़ होती है उसका चिल्लाना, और इसका मीन्स क्या हुआ? मैं। बी ए डबल बी एल ई बेबल, और वर्ब इंट्रांसिटिव क्या होगा? टू टॉक लाइक अ बेबी। टू टॉक लाइक अ बेबी यानी बच्चे के समान बोलना, बक बक करना, इसका मीन्स क्या हो गया? बक बक करना। नाउन क्या होगा? आइडल टॉक, बकवाद। बी ए डबल बी एल ई आर बेबलर, और ये वर्ड है नाउन। आइडल टॉकर, बक्की यानी जो बकबक करता हो, बक्की बेतुकी बातें करने वाला। बी ए बी ई बेब, बी ए बी वाई बेबी। आई एन एफ एन टी इन फैंट, शिशु बच्चा, ठीक है। बी ए बी वाई एच डबल ओ डी बेबी हुड, और ये वर्ड क्या है? नाउन। आई एन एफ एन सी वाई इनफैंसी बचपन, इसका मीन्स क्या हो गया? बचपन। बी ए बी डबल ओ एन बबून, और ये वर्ड क्या है? नाउन। बिग मंकी लंगूर, बड़ा बंदर लंगूर। बी ए सी एच ई एल ओ आर बैचलर, और ये वर्ड है? नाउन। अनमैरिड मैन होल्डर ऑफ बी ए और बी एस सी डिग्री, यानी बैचलर डिग्री का होल्डर, और इसका मीन्स क्या हुआ? कुंवारा स्नातक। बी ए सी आई डबल एल यू एस बेसिलस, और ये वर्ड क्या है? नाउन। माइक्रोब सूक्ष्म कीटाणु, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे जो कीटाणु होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही वो उसको देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं वो। बी ए सी के बैक, और ये वर्ड है? नाउन। एच आई एन डी आर हाइंडर पार्ट ऑफ बॉडी पीठ, लाइंग बिहाइंड पीछे पड़ा हुआ, और वर्ब ट्रांसिटिव क्या होगा इसका? टू सपोर्ट सहारा देना, ठीक है, किसी को सहारा देना या मदद करना उसकी। वर्ब इंट्रांसिटिव क्या होगा? टू मूव बिहाइंड पीछे हटना, और एडवर्ब बिहाइंड पीछे की ओर। चलिए नेक्स्ट, बी ए सी के बी आई टी ई बैक बाइट, और वर्ब ट्रांसिटिव क्या होगा इसका? टू स्पीक इल ऑफ इन एब्सेंस, मुंह पीछे निंदा करना, यानी मुंह के पीछे उसकी बुराई करना। बी ए सी के बी ओ एन ई बैकबोन स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। बी ए सी के ई आर बेकर, और ये वर्ड है? नाउन। सपोर्टर सहारा देने वाला,
ठीक है, जो सहारा देता हो, हेल्प करता हो। बी ए सी के आई एन जी, बेकिंग, और ये वर्ड है नाउन, सपोर्ट, सहारा। बी ए सी के डब्ल्यू ए आर डी, बैकवर्ड, और ये वर्ड है एडजेक्टिव, हाइंडर, पीछे का, यानी छिपा हुआ। बी ए सी के डब्ल्यू ए आर डी एस, बैकवर्ड्स, और यह है एडवर्ब, टूवर्ड्स द बैक, पीछे की ओर, यानी पीठ पीछे। बी ए सी के डब्ल्यू ए आर डी एन ई डबल एस, बैकवर्डनेस, और ये वर्ड है नाउन, लैगिंग स्टेट, लैगिंग स्टेट, और इसका मीन्स क्या हुआ, पिछड़ी दशा। बी ए सी ओ एन, बैकन, और ये वर्ड है नाउन, पिग्स फ्लैश, सुअर का मांस। बी ए सी टी ई आर आई ए, बैक्टीरिया, और ये वर्ड क्या है, नाउन, प्लूरल है, डिजीज, जर्म्स, रोगाणु। बी ए डी, बैड, और ये वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है, बुरे गुण वाला, बुरा। बी ए डी एल वाई, बैडली, एडवर्ब, इन अ बैड वे, बुरी तरह। बी ए डी एन ई डबल एस, देखिए यहाँ बी के बाद हम मिस्टेक हो गई थी हैंड राइटिंग में, तो हमने ए को ऊपर लिख दिया, बी के बाद यहाँ पर ए है। बी ए डी एन ई डबल एस, बैडनेस, एविल, बुराई। बी ए डी ई, बैड, और वर्ब ट्रांसलेटिव क्या हुआ इसका, ऑर्डर्ड, आज्ञा दिया। बी ए डी जी ई, बैज, और ये वर्ड क्या है, नाउन, मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन। डी आई एस टी आई एन सी टी आई ओ एन, डिस्टिंक्शन, बिल्ला। चलिए देखिए हम एक बार फिर से डिक्शनरी को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको याद कर लें, ठीक है। तो हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी अपनी पूरी कोशिश करिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है, और दूसरों को भी पढ़ाइए। अगर आप इससे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर क्या, उनकी थोड़ी हेल्प भी करिए। अगर कुछ वर्ड उनको समझ में नहीं आ रहे तो आप जो है समझा दीजिए, ठीक है, और एक नहीं दो दो बार बताइए, और ठीक है होमवर्क दीजिए इसी में से उन बच्चों को, ताकि बच्चे जो हैं आसानी से इसको लिखें, याद करें, और उनका हैंडराइटिंग भी सही होगा, ठीक है। नहीं तो बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके साथ आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल मेहनत, अगर आप अपने बच्चों को आधा घंटा नहीं दे सकते तो फिर क्या दे सकते हो, ठीक है। आधा घंटा टाइम नहीं है क्या आपके पास, तो बच्चों को पढ़ाइए। और हमारी जो वीडियो है ये बहुत ही पावरफुल है, आप इससे फ़ायदा उठाइए और दूसरों को शेयर भी करिए, ठीक है। नहीं हाँ हो सकता है आप जो वीडियो शेयर करो और वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो और उसको इस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है। और अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और जिसके पास भी वीडियो आप शेयर करेंगे अगर वो अपनी स्टडी जारी रखता वो आपसे खुश होगा, ठीक है। नहीं तो चलिए हम जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप अपनी स्टडी जारी रखिए, ठीक है, आप पढ़िए, ठीक है, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। नहीं
चलिए अब चलते हैं और हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के साथ। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, थैंकिंग यू।